आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। कर्नाटक एमएलसी चुनाव, जगदीश शेट्टार को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। बीदर पुलिस ने छह चोरी के मामलों में कुल 7 लाख की संपत्ति जब्त की और 4 आरोपी को पकड़ा और अन्य 3 फरार है। आईपीएस रवि सिंह होंगे आरएडब्ल्यू के नए चीफ। कैबिनेट कमेटी ने नियुक्ति पर लगाई मुहर। असम के कई जिलों में अगले 5 दिन के भीतर भारी बारिश की आशंका। चीन के विदेशी मंत्री ने अमेरिकी समकक्ष से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। राहुल गांधी का जन्मदिन आज, यूथ कांग्रेस निकालेगी 5 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा। राजस्थान, बिपरजॉय के कारण जालौर, सिरोही और बाड़मेर में बाढ़ का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के टक्कनपुर चंपावत एनएच पर एक बस पलटी, 20 लोग घायल। नोएडा के फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली में आज गर्मी से मिलेगी राहत, मौसम विभाग ने हल्की बारिश की जताई संभावना। मोदी के यूएस दौरे पर पहले भारतीय समुदाय अमेरिका के 20 शहरों में निकल। बिहार, जीतन राम मांझी की पार्टी ने महागठबंधन सरकार से समर्थन वापस लिया। पश्चिम बंगाल, पंचायत चुनाव से पहले हिंसा को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे सुकांत मजूमदार। आदि पुरुष के डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी, नियम बदले हाईकोर्ट के बाद चली। बिहार में जेडीयू सांसद के रिश्तेदारों को यूं मिला 1600 करोड़ का एम्बुलेंस कॉन्ट्रैक्ट। भोपाल, युवक के गले में पट्टा डालने का मामला, आरोपी के घर को तोड़ने पहुंची पुलिस। थम नहीं रही यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें, अब वो तमिलनाडु में बिहार मजदूरों के साथ मारपीट का फर्जी वीडियो मामले में वारंट जारी। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।